तो आप गिनती कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 और देखते देखते कुल 18 लोग। एक तरफ तो लॉकडाउन लागू है और अब सरकार ने लॉकडाउन को 14 दिन और बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों को आने जाने की इजाजत नहीं है, कई लोग यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ सरकार जरूरतमंदों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की सारी व्यवस्थाएं करने में जुटी हुई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही तरीके खोजने में लगे रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है इंदौर से। दरअसल ट्रैफिक सूबेदार अमित यादव इंदौर हाईवे पर रोज की तरह ड्यूटी कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें मुंबई की तरफ से एक कंटेनर आती हुई दिखाई दी। उन्होंने उसे रोका और उसकी चेकिंग शुरू कर दी। उस कंटेनर में एक बड़ा सा होल बना हुआ था जिसमें ढक्कन लगा हुआ था। जब उन्होंने उसे खोला तो भौचक्के रह गए। कंटेनर में से एक एक कर 18 लोग बाहर निकले। पूछताछ में पता चला कि ये लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ जा रहे थे। सांवरे थाने में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और सभी को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। सवाल यहाँ ये भी है कि क्या योगी सरकार की व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं जो इन लोगों को जान जोखिम में डालकर यूं छिपते छिपाते सफर करना पड़ रहा है। न्यूज़ डेस्क।